दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है भेड़िया। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अजय देवगन, राहुल रॉय, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, मुश्ताक खान और टॉम एल्टर। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुकेश भट्ट। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पॉइंट्स की, तो डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने मॉर्फिंग यानी इमेज चेंजिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी सक्सेसफुल फिल्म जुनून में किया था। और जुनून फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद महेश भट्ट ने भेड़िया नाम की एक और फिल्म बनाने का फैसला किया था, जिसमें उन्होंने नेवर सीन बिफोर लीडिंग एक्टर्स यानी अजय देवगन और राहुल रॉय को एक साथ कास्ट किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही एक्टर्स टैलेंट वाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जहां इन दोनों की पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस हाईली रिमार्केबल है। और मेरे ख्याल से इस एक्साइटिंग सब्जेक्ट के लिए भी अजय देवगन और राहुल रॉय बिल्कुल परफेक्ट थे। और इसके अलावा पूजा भट्ट इस फिल्म में एज अ हीरोइन दिखने वाली थी, जो इस कास्टिंग के साथ काफ़ी हद तक सूटेबल दिखाई देती। और देखा जाए तो ये बात है साल 1994 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद किसी अननोन रीज़न की वजह से स्टार्ट होने से पहले ही बंद कर दी गई। और इस हवाले से मेकर्स की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आई थी। और मेरे ख़्याल से भेड़िया फिल्म अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती तो मेकर्स को जुनून से भी काफ़ी ज़्यादा इमेंस रिस्पॉन्स दिलवा सकती थी, मगर मेकर्स ने इस पोटेंशियल आइडिया को वेस्ट कर दिया और ऐसे एक रेयर एक्शन एडवेंचर फिल्म बनते बनते रह गई। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि भेड़िया मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती तो क्या ये मूवी भी जुनून की तरह बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होती या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।